तो ये रहा भाई माता बहन जी कटड़ा कटरा सॉरी चल भूख लग रही कुछ भी खा के निकले सीधा निकल गए ऐसे ही पता ना सिस्टम नहीं रहा। सो गाइस 10 बज गए 10 मिनट हो चुके हैं मैं अभी खा रहा हूं खाना। सो गाइस फाइनली पहुंच चुका हूं मैं अपने शहर अपने सिटी अपने पानीपत बट मेरे को जाना है अपने घर। गाइस गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू दिस अनदर ब्लॉग एंड न्यू एपिसोड्स। अभी का टाइम हो चुका है सुबह के बज चुके हैं 8:30 आज दर्जे को सुबह उठते ही दर्शन हो चुके फिर से माता से माता की। तो गाइस रात को पिछले ब्लॉग में देखा होगा रात को बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे जिससे तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। पैर तो बिजनेस खतरनाक दुख रहे हैं क्या पैर इतने ज़्यादा दुख रहे थे भी अभी भी अपना ही बाद में मिलता हूँ थोड़ी देर में ठीक है। सो गाइस गुड मॉर्निंग अब सारे भाई लोग उठ चुके हैं विशाल ब्रो गुड मॉर्निंग ब्रो गुड मॉर्निंग ब्रो गुड मॉर्निंग ब्रो ये जगह मॉर्निंग उठ गया भाई मोनू ए चप्पल गुड मॉर्निंग बोल रहे। सो गाइस अभी का भाई लोग सभी रेडी हो चुके हैं अचानक ही पता क्या 10 बजे की ट्रेन अभी हो चुके 10:30 तो इसी देखो सो के उठे ना मुंह बिंदु है किसी ने मुंह भी किसी ने दो ऐसे लगा मैं ना लियो भाई ना ना आया इतना ठंडा पानी को ना अभी पूरी गलती से गलती से भी ना ना लिया तो ना यो ना मैं मत भाई मैंने की नहीं। सो गाइस अभी प्लान ये है कि अभी जा रहे हैं पता है कहां जा रहे हैं चलो तो आपको रास्ते में बताऊंगा जाके पहले यहाँ से निकलते हैं लेट हो चुके हैं गाड़ी वाला भाई छोड़ के आएगा हमें रेलवे स्टेशन पे। पैर रहना बहुत ज्यादा दूर पैर दूर है भी ठीक पहले ठीक हो गया ना मतलब क्या हैं। चलो भाई अपना चार्जर डालता हूँ अपनी पैकिंग वगैरह करता हूँ जो भी कपड़े वगैरह पड़े हैं ठीक है। सो भाई एकदम मैं एकदम रेडी हो चुका हूँ बढ़िया कुछ रह गया चल भाई सर अंकुल बाय बाय चलो निकल गया मैं और गोल रह गया था लास्ट में जय माता दी जय माता दी जय माता दी। सुबह सुबह ना एकदम अचानक की माता के दर्शन हो गए कभी पहाड़ों पे से मतलब एक बार हो गए मजा आ जाता है सुबह सुबह जाते दर्शन। गाड़ी किधर है ट्रम्पल चले गए। सो गाइस अभी सभी ले रहे हैं प्रसाद प्रसाद वगैरह ले लेते हैं यहाँ से ही ठीक है। सो गाइस प्रसाद वगैरह ले लिया प्रसाद वगैरह ले लिया और इधर अपनी गाड़ी पे आ गए देखो सारे बैठ गए गाड़ी में। अरे फिर ये भी तो आया है इन्हें चलो भाई साहब जा रहे स्टेशन पे स्टेशन आ गया ना पास में था स्टेशन बड़े पास में स्टेशन था यहाँ पे पहुँच गए स्टेशन पे तो सो गाइस रेलवे स्टेशन में पहुँच गए यार ऐसा लग रहा है कल तो आए थे आज कल ये सोच रहे थे कि ऊपर घर चढ़ेंगे अभी सोच रहे हैं घर कैसे जाएंगे समझ में नहीं आया ना तो ये रहा भाई माता बहन जी कटड़ा कटरा सॉरी चलो पहले रेल रेल पकड़ते हैं रेल छूट गई भाई रेल छूट गई चलो तकड़े वाले सांस चढ़ गए छाती में तो धोने लगा मेरे से बाज बाज के लास्ट बार जय माता दी फिर आ मिलते अगले साल अगले साल। सो गाइस अभी हम बैठे हैं रेल में रेल चल रही है रेल आना रुक रही है तो थोड़ा सा प्लान में चेंज पता क्या हो चुका है ये ट्रेन जाएगी पानीपत बट मेरे को जाना है अपने घर पता क्यों क्योंकि यार तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है ऐसे ऐसे लग रहा है बुखार सा क्योंकि कल ठंडे पानी से ना लिया एकदम गर्म बात तो मेरे को बुखार हो लिया बट इनका प्लान आज थोड़ा चेंज है इनका प्लान ये है कि अमृतसर जाएगा घूमने बाघा बॉर्डर गोल्डन टेम्पल ये सारे दिन घूम गए ना बट मैं नहीं जा सकता यार मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है यार कदी ना बैग नहीं उठता बैग इतना भारी हो चुका है मेरा बस वो तो उठता नहीं भाई बैग तो मेरा दुश्मन है भाई कल पूरी चढ़ाई पे बैग लेके गया मैं अकेला बस थोड़ी देर इसने उठाया था बैग यही घूम के आएगा बस ठीक है। मैं अपने घर के लिए निकलता हूँ यहाँ से अब मैं देखो कैसे बैठे बच्चे परेशान हो रहे बेचारे परेशान हो रहा चलो कोई नहीं खुआएगी भाई भूख लग रही कुछ भी खा के निकले सीधा निकल गए थे ऐसे ही पता ना सिस्टम नहीं रहा भाई हमने तो कुछ खा भी लिया था कुछ खाया था
सुबह दूध खाया नहीं, पानी 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 दूध भी खाया, मैंने दूध भी खाया था भाई, ये दूध पिया, मैंने तो कुछ भी नहीं, पानी चलाओ बस, भूख लगी, भूख लगने लगी। अरे ये बात नींद की, नींद की देख आंख देख भाई साहब, कोई बेड मिल जाए ना इस्त्रिया सो दूंगा मैं, इतना मर गया भाई, फिर इतनी नींद पूरी हो गई, दो दिन की नींद है, कहेंगे 12-2 बजे आए थे रात, लौटे बीच में मेरे बैठा काम पड़े, 2 बजे आए थे रात, तो मैं तो शादी वाला सोया, पता भी नहीं चला भाई कुछ भी नहीं, सीधा रेस्टोरेंट का मतलब। गाइस मेरे को ना सीट मिल चुकी है, देखो सीट नहीं, मैं लेटने वाली सीट मिल चुकी है, और विशाल जा चुके हैं, वो उतर चुके हैं पंजाब में, ठीक है मैं जा रहा हूँ उसके घर पे, चलते हैं देखते हूँ भाई साहब, रात के 12-1 बज जाएंगे पहुँचने मेरे को, तो लेने कौन आएगा भाई, पानी पर उतरना है, पानी पर क्या करेगा भाई साहब, मैं तो लेट रहा हूँ, मेरे को नींद आ रही है, मैं सो रहा हूँ, ठीक है। तो भाई 3 घंटे से ट्रेन रुकी हुई है, पता नहीं क्या दिक्कत है, चली नहीं रही, मैं तो अपना लेट रहा हूँ, बढ़िया तरीके से मज़ा आ रहा है। फाइनली गाइस रेल चल चुकी है, 7 बज चुके हैं, 7:30 रात के, अब मैं पहुँच चुका हूँ 1-2 बजे तक, रहना शुरू हो गया भाई, 4 घंटे वेट कर लिया है ट्रेन का, ट्रेन में पूरी। तो गाइस फाइनली पहुंच चुका हूं मैं अपने शहर, अपने सिटी, अपने पानीपत, टाइम नहीं पता था कितना हुआ, देखो टाइम देखो कितना हुआ भाई साहब, 3 बज के चुकी है, 3:30 नहीं, हाँ 3:30 होने वाले भाई, कोई नहीं होने वाले बस, चलो बाय 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 रेल, बाय बाय पानीपत 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 जंक्शन। सो गाइस अब बस एक बात करूँ, रैप सवारी मिले ना मिले, क्योंकि रात के टाइम 3:30 हो रखे हैं, देखते हो मिलता है नहीं, पहले मैं बस स्टैंड पे आ गया हूँ, देखो बस स्टैंड यहाँ पे बस पकड़ता हूँ मैं सीधा सोनीपत की, और अपने गांव के बीच में रोक देगी जो मिल जाए तो भाई, फिर भाई बस स्टैंड तो फिर भी गाइस फाइनली पहुंच चुका मैंने गांव के अड्डे पे, देखो ये भाई बस भाई आने वाला है, भाई का वेट कर रहा हूँ मैं, रात के कितने बज गए भाई, 4:30 हो चुके हैं, मतलब आधा घंटा लग गया मेरे को आने में, फाइनली पहुंच गया हूं मैं, कौन से करिए भाई आप, ले मम्मी नमस्कार जी, कैसे हो, ठीक हो, एकदम बढ़िया मम्मी है, अगर फिर तो अभी मिलता हूँ सुबह, ओके भाई साहब सुबह एंड करते हैं वो लोग। सो गाइस गुड मॉर्निंग, रात को मैं आ गया था 4:30 बजे आ गया था, अरे अभी का टाइम हो चुका है 11:29 हो चुके, ऊपर आ भाई 11:29 हो चुकी है, दिन में उसमें अभी उठा हूँ, अभी खाना वाना खाया मैंने, बस अभी ब्लॉग अपलोड कर रहा हूँ, मेरा वाईफाई का रिचार्ज नहीं हो रहा है, चार्ज करूँ आज, इसलिए मैं अभी तो पड़ोसी के काम कर दे मेरा